नायब सिंह सैनी बने हरियाणा के नए सीएम, ओबीसी चेहरे को मिला दारोमदार। सैनी के साथ पांच मंत्रियों ने ली शपथ। कैबिनेट में दो जाट, एक एक ब्राह्मण, दलित और गुर्जर को भी मिला मौका। पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी शुभकामनाएं। शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, अपनी कार चलाकर गए अंबाला। सूत्रों के मुताबिक नायब सिंह सैनी को सीएम बनाए जाने से चल रहे हैं नाराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज भारत शक्ति एक्सरसाइज में लिया हिस्सा। पीएम के साथ 30 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल। वायुसेना, थल सेना और नौसेना के जवानों ने दिखाया दमखम। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट। सांसद गौरव गोगोई को असम के जोरहाट सीट से उतारा। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से टिकट। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालौर से मिला मौका। राहुल कसवां को भी चूरू से टिकट। फर्जी हथियारों को लाइसेंस मामले में भी मुख्तार अंसारी दोषी करार। अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर के जरिए लिए थे हथियार। 12 मार्च को कोर्ट सुनाएगा फैसला।